तो दोस्तों, ये उठने के बाद मेरा दूसरा काम है मेरे हिसाब से। अभी मैं झाड़ू लगा लूँगी घर में, और पहला काम होता है मेरा बिस्तर समेटना, जो कि मैं कर चुकी हूँ। और अभी मैं अच्छे से कोने कोने से कचरा निकाल के बाहर फेंक दूँगी झाड़ू की सहायता से। उसके बाद पोछा लगा लूँगी। तो अगर घर साफ से झाड़ू लगाया हुआ हो तो पोछा लगाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में शेयर किया है कि मुझे झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है और घर तुरंत भी साफ हो जाता है। तो अभी मैं झाड़ू लगा ली हूँ, उसके बाद मैं पोछा लगाने के लिए आ गई हूँ। तो मेरा एक रूम पोछा लगाया हुआ हो चुका है, और ये वाला काम करने के बाद मैं नीचे जाऊँगी, जिसमें मेरा सबसे बड़ा काम होता है बेटे को ब्रश कराना, जो कि मतलब क्या बताऊँ, बहुत मेहनत करना पड़ता है। मतलब इतना मेहनत तो अपने और कुछ कामों में नहीं लगता है मुझे। तो बेटे के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अभी उसे खिलाना पड़ेगा, उसे हेयर कटिंग के लिए ले जाना पड़ेगा, उसको नहलाना पड़ेगा। बहुत बहुत ज़्यादा बर्डन है, और सबसे ज़्यादा बर्डन मेरे को लगता है उसको खिलाने में, क्योंकि उसका इतना नखड़ा है, कभी ये नहीं खाऊंगा कभी वो नहीं खाऊंगा। तो चलो दोस्तों, मैं फाइनली वेलकम बैक टू माय चैनल, स्वागत है आप सबका ज्योतिष ब्लॉग में। आशा करते हो आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी खूब 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 अच्छी हूँ। तो दोस्तों, हो गया है सुबह का आगाज, और घड़ी में बज गया है सुबह का 8। तो अभी से मैं अपना वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा कि मैंने घर झाड़ू लगा लिया है और पोछा भी लगा लिया है। तो ये दोनों महान काम मेरा हो चुका है, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट बोल सकते हो ये काम है। और अभी दोस्तों, मैं ये जो फुटमैट है इसे बिछा लूंगी नीचे। और दोस्तों, मैं बहुत दिनों से ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। तो आई होप कि मैं आज से कंटिन्यू कर पाऊंगी शायद, लग रहा है मुझे। तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो जाता है, उसके बाद कंसंट्रेशन का थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है मेरा, इसकी वजह से मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ब्लॉग दे रही हूँ। ऐसा नहीं कि ब्लॉग नहीं दे रही हूँ। तो अभी जैसे कि मैंने घर पोछा लगा लिया पूरा, वहाँ से पूरे सीढ़ी तक मैंने बंद कर दिया है अभी। और पोछा लगाने के बाद मैंने सूख गया फर्श, तो इसको बिछा दिया है। और बिस्तर मैंने पहले ही समेट के रख लिया है। तो जैसे कि वहाँ पे एक दाग देख सकते हो, मेरे बेड में एक दाग है वहाँ पर, जहाँ जस्ट मेरा उंगली जा रहा है वहाँ पर, कि मेरा बेटा 3:25 में उठाया मुझे, बोलता है मम्मी गीला हो गया। तो फिर मैं देखी कि उसका पैम्पर्स से टॉयलेट लीक हो गया। फिर उठने के बाद 3:25 में, नॉर्मली कोई भी इंसान मॉर्निंग वॉक में भी नहीं जाता है और उठता भी नहीं है, उस टाइम में बहुत गहरी ही नींद आती है सबको। तो मुझे भी बहुत गहरी ही नींद में आई थी, और मुझे मेरे बेटे को भी नींद आई थी, ऐसा नहीं कि उसे नींद नहीं आई थी, बट उसका गीला गीला लग रहा था, ठंडा ठंडा लग रहा था। तो मुझे उठाया, फिर मैं गई जहाँ पे कपड़ा रहता है, उसका कपड़ा लेके आई केथा बोलते हैं हम लोग बंगाली में, वो लेके आई, और दो तीन कपड़ा लेके आई, उसमें प्रेस की टॉयलेट को निचोड़ा, उसके बाद उसमें 2-3 कपड़े डाल के उसको उसके ऊपर बिछा दे, फिर उसे सुलाया। तो उसमें तो आधा घंटा चला ही गया मेरा करीब। तो उसके बाद नींद नहीं आ रही थी। तो अचानक 5:25 में फिर नींद आई, तो सोई तो 6:45 में नींद खुली। तो उठने के बाद ही बेटा बोला मैं नीचे जाऊंगा, वो नीचे चला गया। उसके बाद मैं झटपट काम करने लगी, जैसे बिस्तर को समेट के घर जो होता है वो होता वही कर ली। तो अभी तक मैंने पानी नहीं पिया है, अभी मैं थर्मस में ही पानी डाल रही हूँ, क्योंकि आवाज़ से पता चल ही रहा होगी आप लोग की ज्योति दीदी को जुकाम लग गया है, भयानक वाला जुकाम लगा है, बहुत सर दर्द दे रहा था। हाँ, मेरा रीजन है ब्लॉग नहीं देने का कि मेरा बहुत ज्यादा सर दर्द दे रहा था दोस्तों। तो सर दर्द देने की वजह से मेरा कॉन्सेंट्रेशन सच में नहीं हो रहा था। तो अभी सर दर्द तो से रिलीफ है, लेकिन जुकाम से बहुत परेशान हूँ, तो देखा जाए जुकाम कब छूटता है। हाँ, और बिग अनाउंसमेंट मैं आप लोगों के बीच आज करने वाली हूँ अभी, कि आज कुछ मेरे ब्लॉग में स्पेशल है। तो प्लीज आप लोग कंटिन्यू रहना मेरे ब्लॉग में, कि कहाँ पे आप लोगों को स्पेशलिटी मेरा मिल रहा है, जहाँ पे मेरा स्पेशलिटी मिलेगा वहीं पे सोचना कि आज का ब्लॉग स्पेशल हुआ है। तो आज सच में कुछ स्पेशल होने वाला है मेरे ब्लॉग में, तो आप लोग कंटिन्यू रहना। और क्या बोलूँ, बस ऊपर का काम तो हो गया है, अभी नीचे जाऊंगी, नीचे जाने के बाद मैं ब्रश करूंगी, बेटे को ब्रश कराऊंगी, उसका जो काम होता है वो सब करूंगी। हाँ, आप लोग के साथ जो हो सके मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूंगी जब तक मैं कर सकूं। तो मिलती हूँ नीचे जाने के बाद, तब तक के लिए बाय। मैंने भी ब्रश कर लिया है और बेटे को भी ब्रश करा दिया है। और आप लोग को मैं अभी दिखाने के लिए लेके आई हूँ किचन में, ये गैस
जो कि गैस का जो ओवन है वो एकदम दूसरा है, जो हम लोग पहले यूज़ करते थे वो वाला थोड़ा सा लो फ्लेम में चलता था, दोनों में ही फ्लेम ज़्यादा नहीं होता था। तो ये वाला जो है मेरे पापा ओवन लेके आए हैं सिंगारसी से, मामा के घर से, तो अभी ठीक करा लिए तो चल रहा है। तो पापा दूध लेके भी आ गए हैं और अभी पम्पकिन का सब्जी ब्रेकफास्ट में बनेगा, आमंड में भिगा के रखी थी जो कि हमारे ब्रेकफास्ट में काम देगा, तभी हम लोग खाएंगे। और एक ये जो स्पेस देख सक रहे हो दोस्तों, ये अभी खाली लग रहा है आप लोग को। खाली लगने का रीज़न बस यही है कि हम लोगों ने टेबल को यहाँ एडजस्ट कर दिया है, तो जिससे वो वाला जो स्पेस है वो हम लोग को खाली मिल गया है। वहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, बैठ सकते हो, खाने को ज़्यादा खाना बन गया तो वहाँ रख सकते हो। और फ्रिज के ऊपर मैंने एक पतंजलि का बेल मुरब्बा रखा है जो कि मैं लेके आई थी, थोड़ा पेट का प्रॉब्लम होने से मैं इसे खाती हूँ। और यह है केसर का डिब्बा जो कि मेरे हस्बैंड ने जब मेरा बेबी कंसीव हुआ था तब दिया था मुझे, मैंने एक दिन खाया था सिर्फ, और उसके बाद एक बार भी नहीं छुआ, तो ख़राब हो गया था, मम्मी कल ही फेंक दी है। और ऊपर में कुछ अचार वगैरह मम्मी रखी है सजा के। और यहाँ पे मैं अपने बेटे को भी ब्रश करा दी हूँ और उसके लिए दूध परोस लूँगी, तो उसको दूध पिला दूँगी हल्दी के साथ ताकि जुकाम जो है उसको ना लगे। और जुकाम हल्का हल्का लगा हुआ है, बट मेरा बेटा इतना शैतान है कि उसको फ़ैन चाहिए, नीचे पाँव में चप्पल नहीं है, शरीर में स्वेटर नहीं है, ना ही वुलन कुछ का है और ना ही फुल स्लीव है, इतना शैतान है। तो जो भी हो दोस्तों, ये बच्चों का गुण होता है मुझे लग रहा है, सबके बच्चे ही ऐसा करते हैं। तो अभी पम्पकिन की सब्जी में मम्मी हल्दी डाल दी है, मैं इसे थोड़ा चला लूँगी। और एक तरफ मेरा बन रहा है ग्रीन टी, तो अभी मैं ग्रीन टी भी पी लूँगी, उसके बाद कर लूँगी अपना ब्रेकफास्ट। तो मेरे ब्रेकफास्ट में क्या क्या है चलो दोस्तों आप लोग देख लो। एमंड है, डेट्स है और एप्पल है, यही होगा मेरा हेल्दी वेल्दी एकदम सब ब्रेकफास्ट जो कि मैं अभी कर लूँगी। और बेटे को दूध पिला दिया है और देखा जाए बेटा क्या खाता है, मेरे को नहीं लगता कुछ खाएगा। और अभी मैं करने आ गई हूँ दूसरा काम जो कि है मेरा घर को, नीचे वाले घर का थोड़ा सा डस्टिंग करना। तो डस्टिंग करने से पहले जितना भी झाला वगैरह लगाया उसे साफ़ कर लूँगी झाड़ू की सहायता से। अब फैन पापा साफ़ कर लेंगे कल। और अभी मेरा बेटा टीवी देख रहा है, इसी बीच मैं कर लूँगी डस्टिंग वगैरह पूरा अच्छे से। और उसके बाद मम्मी आज बोल रही है कि जैसे कि हम लोगों में होता है बंगाली में कि 1 महीना तक बच्चे के जन्म के महीने में मम्मियों को नेल्स नहीं काटना चाहिए, बट मम्मी बोल रही है 1 महीना मत पाल, अभी ख़त्म होने वाला है तो अभी काट ले। तो मैं अभी काट लूँगी नाखून, तो देख सकते हो मेरा नाखून कितना बढ़ गया था, और मुझे नाखून बड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है दोस्तों। तो अभी मैं नाखून काट ली और इतना सारा नाखून अभी निकल गया है मेरा, देख सक रहे हो आप। ये सब नाखून को मैं त्याग दी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रिलीफ लग रहा है, मुझे नाखून बिल्कुल पसंद नहीं है बड़ा होना। मेरा जब भी नाखून बड़ा होता है तभी मेरा दांत सिर सिर करने लगता है, आप लोगों को भी सुनकर अजीब लग रहा होगा। और बेटे का शैतान ये देख सकते हो, वो खाली एक बार इधर जम कर रहा उधर जम कर रहा, और गाड़ियों का लाइन वो हर गाड़ी को जोड़ जोड़ के हल्ला रहा है लगा रहा है मतलब। और मैं उससे सिखाई हूँ कि अभी बर्थडे तक बेटा वहीं पर डेकोरेशन करके रख अपना जितना भी टॉयज है, तो वो वही कर रहा है। और इसे भी बोल रहा है सजाओ मम्मी। और अभी मैं आ गई हूँ बेसिन को साफ़ करने के लिए, और मैं बेसिन साफ़ करने के लिए यूज़ कर रही हूँ भीम लिक्विड जो कि नॉर्मली यूज़ करते हैं बर्तन धोने के लिए, बट मैं अभी सिंक साफ मतलब बेसिन साफ़ करने के लिए यूज़ करूँगी इसे। तो बेसिन को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, साफ़ ही था बट एक दो बार होता है ना, हफ्ते में 4 बार तो धोना ज़रूरी होता है, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं भी साफ़ कर लूँगी अच्छे से, और उसके बाद कर लूँगी दूसरा काम जो कि दूसरा काम क्या होगा अभी देखा जाए। पहले मैं बेसिन को अच्छे से लगड़ लगड़ के साफ़ कर लेती हूँ, और बेसिन साफ़ रहने से सबको थूकने भी में मज़ा आएगा, हाथ धोने भी मज़ा आएगा, और देखने में भी मज़ा आएगा। तो ये मैं बेसिन को साफ़ कर ले रही हूँ, और मुझे ये सब काम करना बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। लेकिन ये जो बेसिन का पाइप है वो थोड़ा जाम हो गया है नीचे की तरफ, जो कि पानी पूरा बह रहा है नीचे नीचे। तो और पापा भी आ गए हैं बाज़ार से, तो बाज़ार से लेके आ गए हैं एकदम ताज़ा ताज़ा सब्जी जो कि है कॉलीफ्लावर, कोरिएंडर लीव, कैबेज, ब्रिंजल, रेडिस, लेमन, ये सब लेके आ गए हैं। तो ये सब था आज का छोटा मोटा बाज़ार, पापा कल भी जाएंगे बाज़ार, तो आज इतना बहुत है हमारे लिए। और पापा लेके आए एकदम फ्रेश फिश, जो कि बड़ा फिश मैं ही लाने के लिए बोली बेटे के लिए, क्योंकि बेटे को बड़ा फिश ही हम लोग देते हैं, छोटा फिश नहीं खा पाएगा, छोटा बच्चा है, कांटा बहुत लगेगा, तो बड़े फिश में कांटा लगा निकालना इजी होता है, इसलिए उसको मैं बड़ा फिश ही प्रीफर करती हूँ देना। ये तो मैं ही खाऊंगी, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, सर पेटी और लेजा, बंगाली में लेजा बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पुछड़ी, वो मेरा फेवरेट है। तो उसे मैं अभी साफ़ करके मम्मी को दे दूँगी, तो अभी मैं मम्मी को साफ़ करके दे दूँगी, मम्मी ही खाना बनाएगी, मैं तो खाना नहीं बनाऊँगी। और मम्मी को भी सब्जी काट दूँगी, तो सब्जी में मैं काटी हुई देख सकते हो दोस्तों चौड़चुड़ी बनेगा बंगाली में, तो फूलगोभी का डांटा, मूली, बैगन, आलू, जो चौड़चुड़ी भी बोलते हैं, बहुत लोग छिछड़ा भी बोलते हैं,
तो ये बनेगा एक एक बनेगा मूली का साग, और यहाँ पे पपाया काट के रखी है। पपाया तो मेरा फेवरेट है, बट मेरा जुकाम लगा है तो खाती हूँ कि नहीं देखा जाए। पापा खाएंगे, मम्मी खाएगी, जेठी माँ भी खाएगी, तो ये लोग खाएंगे। और अभी दोस्तों मैं बेटे को लेके जाऊँगी हेयर कटिंग के लिए, जो कि मेरे घर के जस्ट अपोजिट पे ही है हेयर कटिंग का सैलून, तो वो नया है, तो देखा जाए हेयर कट कैसा लगता है बेटे का। अगर आप लोगों को भी पसंद आएगा मेरे बेटे का हेयर कट, तो प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों, ताकि मैं भी थोड़ा इनकरेज हूँ कि मैं यहाँ पर हमेशा कटवा सकूँ। और मेरा बेटा देख सकते एकदम गाँव में पहुँच गया है, गाँव नहीं है बिल्कुल भी, ये मेरे घर के जस्ट अपोजिट में जो सैलून है उसके बाहर में ये जो मिट्टी वगैरह पड़ा है वहीं पर बेटा खेल रहा है। तो मैं उसको खेलने के लिए मना बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को थोड़ा खेलने देना चाहिए बाहर में मट्टी में, बट धूप हो तो, जुकाम हो तो नहीं। और अभी मैं हेयर कटिंग के लिए अंदर आ गई हूँ, अभी उसका ही टर्न है, बहुत लोग आए और गए, मैं बहुत देर तक वेट कर रही थी बाहर, और बेटा अंदर घुस नहीं रहा था घर के अंदर, तो यहीं पे मैं वेट कर रही थी धूप में। और मैं अभी उसका हेयर कट करवा लूँगी यहाँ पे। तो ये जो भैया है दोस्तों, बहुत दिन से मुझे फैमिलियर फैमिलियर लग रहे हैं, मतलब पहचाना पहचाना लग रहे हैं, बट मैं मतलब पता नहीं कर पा रही थी कि कौन है। एक्चुअली ये भैया जहाँ पे मैं जिम करती हूँ उसके बगल वाले सैलून में भैया रहते थे, पहले काम करते थे, अभी अपना सैलून खोल लिए, तो बहुत अच्छी बात है, भैया बहुत आगे बढ़े, मैं भी ये विश करूँगी। तो अभी मेरे बेटे का फाइनली हेयर कट हो गया है, तो अभी मैं उसे घर ले जाऊँगी, नहला दूँगी, उसके बाद उसका लंच करवाऊँगी। तो ब्लेड जो है मेरे बेटा यूज़ कर रहा है अभी, और उसके डिनर में लंच में क्या क्या है देख लो दोस्तों, अंडा है, पपाया का सब्जी है, छिछरा है, ये सबके लिए है, और ये है हमारे लिए हल्का पतला मसाले वाला मछली का झोल, जो कि मिर्ची आप लोग को दिख रहा होगा ऊपर से मम्मी काट के डाली है, क्योंकि बेटे को मिर्ची नहीं अच्छा लगता है, पसंद नहीं है, किसी को भी पसंद नहीं है, उसे तीखा लगता है। यह है पपाया का एकदम सब्जी, जो कि बेटे के लिए मसालेदार, और चावल तो कंपलसरी हो गए। तो यही है आज हमारे लंच मेनू में दोस्तों, तो चलो मैं बेटे को खिला लेती हूँ। और अभी आ गए शाम को सीधे आप लोगों से एक बार, बेटा एकदम वीडियो करने दे नहीं रहा है, बहुत तंग कर रहा है, तो अभी शाम का पहली बार मैं 2 महीने बाद चढ़ रही हूँ ऊपर, तो अच्छा ही लग रहा है। आज संडे भी है और छुट्टी है जिम, जिसकी वजह से मैं टाइम दे पा रही हूँ बेटे को। तो अभी हम लोग छत से नीचे जाएंगे, और वो घड़ी आ ही गई दोस्तों जिसका मुझे था इंतज़ार, मतलब मेरे हस्बैंड का आने का, तो मेरे हस्बैंड भी आ ही गए। तो आज है मेरे ब्लॉग में स्पेशलिटी यही कि मेरे हस्बैंड बहुत दिनों बाद, करीबन 3 महीने बाद हम लोगों के बीच फिर से आ गए हैं, और उनका लगेज देख सकते हो, पता नहीं लगेज में क्या क्या है, जो भी होगा शेयर करूँगी। तो ये देख सकते हो मेरे हस्बैंड अभी सामान को रख रहे हैं, बट पता नहीं है मेरे बेटे को, घर में किसी को नहीं पता है कि वो आने वाले हैं, सिर्फ मुझे ही पता था कि वो आने वाले हैं। तो अभी उनका लगेज मैं साइड में रख लेती हूँ और दरवाज़ा को लगा के रखी हूँ, ताकि कोई देख ना ले कि वो आए हैं, और साइलेंटली उनको बोल रही हूँ, मम्मी का रिएक्शन देखो क्या गया तो उनको मैं किसी को बताई नहीं थी, इसलिए सबका रिएक्शन ऐसा है। और अभी है बेटे का रिएक्शन देख सकते हो, पापा उसके पीछे खड़े हैं लेकिन उसको पता ही नहीं है, बिल्कुल ही पता है, ये रहा, अब जो के देख रहा है कि सच में है कि नहीं। तो ये है बेटे और बाप का प्यार, जो कि उमड़ रहा है एकदम, अच्छे से देख सकते हो आप, बेटा एकदम शर्मा गया, समझ नहीं पा रहा कि क्या से क्या हो गया, अभी देख सकते हो वो हग भी करेगा। तो ये बहुत ही, मतलब क्या बताऊँ, बहुत ही प्राउडिंग मोमेंट है मेरे लिए, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत स्पेशल मोमेंट है, बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट रहा मेरे लिए आज का दिन। और इसे मैं YouTube में भी शेयर की, और इसे मैं मतलब Google में शेयर कर दूँगी, ताकि ये पूरी ज़िंदगी भर रहे ये मोमेंट, बड़ा हो तभी मेरा बेटा देख सके इस वीडियो को, कि उसके पापा इतने दिन बाद आए, तो बेटे के साथ पापा का जो बॉन्डिंग है वो कैसा रहा, और कैसे मतलब स्पेंड कर किया उन्होंने ये जो लवली वाला टाइमिंग है। तो मेरा बेटा कुछ समझे ना समझे, बाप तो पूरा समझ रहा है कि मेरा बेटा है, एकदम जान है, जिगर है। तो अभी ये उसका जो मेन मुद्दा है पापा के आने का, वो है गाड़ी का ओपनिंग करना, न्यू गाड़ी का। तो अभी गाड़ी मिल गया उसे, JCB क्या बोलते हैं उसे पता नहीं। और ये है छोटे छोटे टॉयज़ का एक पैकेट, जो कि मैं अपने हस्बैंड को बोली थी कि इसे एक काम करो, बड़ा टॉयस मत दो, बहुत सारा उसके पास बड़ा टॉयस है, आप इसे छोटा ही टॉयस दो, छोटा टॉयस भी बहुत सारा है, तोड़ देता है। तो अभी फ़िलहाल देख रही हूँ कुछ दिनों से वो गाड़ी नहीं तोड़ रहा है, इसलिए मैं अपने हस्बैंड को बोली कि चलो ये वाला गाड़ी उसे दे दो, तो अभी वो मुझे जीत करेगा, मुझे पता है कि मम्मी इसे सजा के रखो, सजा के रखो। तो चलो थोड़ा देर वो खेल ले, ताकि
उसका पेट भर जाए। और अभी मैं आ गई हूँ डिनर की तैयारी के लिए, तो डिनर में कुछ नहीं बनेगा, मछली बहुत सारा बचा हुआ है। तो अभी हम लोग बंधा गोभी का सब्जी खाएंगे आज रात को डिनर में, और बेटा पता नहीं क्या खाएगा। बेटे को लेकर ही टेंशन है दोस्तों, वो कुछ खाता है कभी नहीं खाता है, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन लगता है। तो कुछ नहीं, देखा जाए क्या खिलाती हूँ उसे। अभी फ़िलहाल बंधा गोभी काट के मम्मी को दे देती हूँ ताकि बंधा गोभी बनाए। और आज के ब्लॉग में मुझे बहुत सारा चीज़ करना पड़ेगा आज आज के दिन में। सोच रही हूँ और एक काम करूँ जो कि आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, वो है ये वाला। अभी मैं चाशनी बना ली हूँ स्वीट के लिए, मिठाई के लिए। तो अभी मिठाई बोले तो गुलाब जामुन बनेगा, तो ये है गुलाब जामुन का जो पाउडर है वो, और कैबेज काट ली हूँ, आलू कटा हुआ है, और ये है गुलाब जामुन का पैकेट जिस जो कि इंस्टेंट गुलाब जामुन बनता है वो, इसमें सब कुछ केसर बादाम दिया हुआ है। और अभी मैं इसे अच्छे से हल्के हाथों में गूँथ लूँगी, मतलब लुक मतलब थोड़ा सा गुनगुने दूध में सॉफ्ट करके गूँथ लूँगी, और फाइनली उसमें तेल लगा के रख दूँगी डफ को करीबन 10 से 15 मिनट। उसके बाद इसको गोला कर करके तेल में तल लूँगी लो फ्लेम में, और उसके चासी में डाल दूँगी। तो मेरा गुलाब जामुन एकदम बन के तैयार हो जाएगा दोस्तों, गरम गरम, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। और देख सकते हो एक गुलाब जामुन मम्मी ट्राई करने के लिए बनाई है, और ये वाला जो है अभी तला हो रहा है, फाइनल जब हो जाएगा तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये रहा दोस्तों हमारा गर्मा गर्म गुलाब जामुन, कितना सॉफ्ट बना है देख सकते हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है, इतना सा ही बना है, यही हमारे लिए काफ़ी है। और मैं यहाँ पे अभी रोटी बनाने के लिए प्रिपरेशन ले रही हूँ, पूरी थोड़ा सा बना हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, आ गए आप लोगों के बीच में, और जैसे कि पूरा ब्लॉग आप लोगों को मैं वॉइस ओवर देते रही, रीज़न बस यही था कि आप लोग मेरे बैकग्राउंड से परेशान हो जाओगे, इतना आवाज़ आता है, मेरे बेटे का आवाज़, मम्मी का आवाज़ बहुत तंग करता है बेटा, तो जिसके वजह से मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ इस वीडियो में पूरा, और अब नहीं दूंगी। और अभी बज रहा है रात का 8:30, हम लोग डिनर करके ऊपर आ गए हैं, बेटा भी अपना गाड़ियों को लेके आ गया है बिस्तर में रखने के लिए। और मेरे ब्लॉग में मैंने आप लोगों को सुबह कहा था कि आज कुछ स्पेशल होने वाला है ब्लॉग में, तो स्पेशल मोमेंट आप लोगों के साथ तो मैंने शेयर किया ही, और जो स्पेशल पर्सन है वो है ही। हेलो तो मेरे हस्बैंड बहुत दूर से आए हैं और बहुत कुछ लेके आए हैं हम लोगों के लिए, जो कि मैं इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ तो मेरे हस्बैंड एक और एक यूनिक चीज लेके आए हैं जो कि मेरे घर में नहीं था, मेरे शादी से पहले था, उसके बाद हम लोगों ने नहीं खरीदा क्योंकि कोई भी इच्छुक नहीं था वो सुनने के लिए। तो फिलहाल मेरे हस्बैंड को क्या मूड हुआ पता नहीं, वो लेके आए हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रोफेशनल मोबाइल एम्पलीफायर MP3 है, इसमें क्या बोलते हैं, वो ये म्यूजिक सिस्टम है, कुछ गाना वगैरह बजता है इसमें, आप USB उसका डाटा वो क्या क्या होता है वो सब का पेन ड्राइव वगैरह आप डाल के इसमें गाना बजा सकते हो, मोबाइल भी डाल सकते हो, मोबाइल से मतलब कनेक्ट करके भी बजाते हैं, MP3 है वो, FM भी है, जो भी है बहुत कुछ है, मुझे नहीं पता उतना बट है। तो वो लेके आए हैं बेटे के, तो ये सब लेके आए हैं, और बेटे के लिए चॉकलेट्स बहुत सारे लेके आए हैं, और मेरे लिए क्या लेके आए थे, मेरे लिए भी लेके आए हैं कुछ कुछ जो बोल नहीं सकती अभी, बेटा है इसीलिए, तो वो सब लेके आए हैं। और अभी हम लोग सोएंगे। तो दोस्तों मेरे ब्लॉग में स्पेशल यही था कि आज बहुत दिन बाद, जो मैंने मतलब बहुत दिनों से इंतजार हम लोग कर रहे थे, मेरे हस्बैंड का, मैं इस हस्बैंड का, बेटा अपने पापा का, मम्मी मेरे अपने दामाद का, और बेटे का इंतजार कर रहे थे, वो पूरा हुआ। और मेरे हस्बैंड एकदम स्लिम एंड ट्रिम हो गया है, कमर इतना पतला हो गया है उनका, बेटा भी जो है अपने पापा से थोड़ा ज्यादा नहीं कर रहा है। हाँ देखा दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आज, चलिए तो बहुत अच्छा लगा आज हम लोगों को, तो अभी हम लोग बिस्तर करेंगे और सो जाएंगे, कल सुबह बहुत ज्यादा काम है,
आप लोग के साथ मैं पूरा ब्लॉग शेयर करूंगी कल का। तो बहुत बहुत ज्यादा टाइम बहुत ज्यादा काम है, कल पूरा दिन काम करते बीत जाएगा। तो आप लोग के साथ जितना हो सके मैं जरूर 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 शेयर करूंगी। और अभी रेगुलर ब्लॉग आएगा जितने दिन मेरे हस्बैंड है, क्योंकि बेटे को थोड़ा संभालेंगे वो और मैं थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह कर पाऊंगी, तो ब्लॉग आएगा अभी आप लोगों के बीच। तो दोस्तों अभी ज्यादा बात नहीं करूंगी, तबीयत फिर से खराब होने को है, मेरा गला बहुत ज्यादा पेन हो रहा है फिर से और आंखों में बहुत ज्यादा दर्द है। तो हस्बैंड बोले हैं कि डॉक्टर के पास ले जाएंगे, तो देखा जाए कब जाती हूँ। बाकी आप लोगों की जो दीदी थोड़ी थोड़ी अच्छी है, थोड़ी थोड़ी अच्छी नहीं है। तो फिलहाल अभी हम लोग बिस्तर करेंगे और सो जाएंगे। दोस्तों रात ज्यादा नहीं हुई है, मुझे पता है 8:30 बज रहा है अभी, पौने 9 बज रहा है। इस टाइम में कोई सोते नहीं है, लेकिन हम लोग सोएंगे क्योंकि बेटा दिन को सोया नहीं था, हस्बैंड बहुत दूर से आए थक के और मैं भी दिन को नहीं सोई थी, तो नींद है पेंडिंग, तो वो पूरा कर लेंगे। कल अर्ली मॉर्निंग उठ जाएंगे। तो मिलती हूँ कल आप लोग के बीच, फिर से आऊंगी कल, मिलती हूँ फिर कुछ नए आज के साथ, कुछ नए ब्लॉग के साथ और कुछ नए स्पेशलिटी लेके कल के ब्लॉग में मिलती हूँ। तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू। तुम भी बोले दो बाय, गुड नाइट, बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, शेयर, बाय 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 बाय।